नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑन अनुष्ठान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जो है बिहार पुलिस और निरीक्षक राजीव दरोगा का जो है 22/2019 का जो सीक्रेट सिटीज में दिया गया था एग्जाम उसके प्रश्न को डिस्कस करेंगे। फिर दोस्तों हमें भी आपको यह सीट बहुत पसंद आएगा। देखिए हम आज के प्रश्न को शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो है 2019 के बारे में दिया गया है तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग जानते हैं कि विश्व पृथ्वी दिवस जो है ये 22 अप्रैल को मनाते हैं। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं और 22 मार्च कहेगा तो विश्व जल दिवस मनाते हैं, भी ध्यान रखिएगा। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो सेबी का मुख्यालय देखा जाता है कहाँ पर है तो मुंबई में स्थित है सेबी का मुख्यालय। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? सही उत्तर क्या रहेगा? 4 का ऑप्शन बी रहेगा, कानूनों का उल्लेख नहीं किया गया है जबकि सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक का उल्लेख किया गया है। 3 प्रकार के जो है न्याय की जो उल्लेख किया गया है। अरुण तीन जल परियोजना निम्नलिखित में से किस में स्थित है? तरुण 3 जो जल परियोजना निम्नलिखित में से किस में स्थित है? तो सही उत्तर क्या जाएगा? तो 5 का ऑप्शन मिलेगा, सी रहेगा, नेपाल में स्थित है, नेपाल में। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य पर कृतज्ञों का निर्वहन कर सकता है? ये अनुच्छेद कितना के तहत है? अनुच्छेद 65 के तहत जो है अनुसार जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृतज्ञों का निर्वहन कर सकता है। ऑप्शन नंबर 40 का राइट आंसर रहेगा। भारत में उत्तर पूर्व में गाजी बोलोनिया रेलवे का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया है? तो भारत में उत्तर पूर्व में गाजी बोलोनिया रेलवे के उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर रहेगा, सी रहेगा, त्रिपुरा में किया गया। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर होगा। हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? तो हिप्पोकैम्प देखा जाए तो किस तरह का चंद्रमा है? देखा जाएगा नेपच्यून का चंद्रमा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट नेपच्यून का। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? तो संघीय सूची में देखा जाए तो स्थानीय स्वशासन को जो है स्थानीय शासन को संघीय सूची में शामिल नहीं किया गया, जबकि रक्षा रेलवे और RBI को जो है शामिल किया गया, तो ध्यान रखिएगा। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 की क्रांति में जो बिहार से जो है वीर कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। नाना साहेब कानपुर से, टाटा भी कानपुर से थे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो धार्मिक कार्य पर प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। 11 का क्या जगह? तो ऑप्शन नंबर जगह ए हो जाएगा, अनुच्छेद 26 जो है इस संविधान में जो है उनकी छवि जो है धार्मिक कार्यों पर प्रबंधन से स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के डैश किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल आयोजन किया जाता है कहाँ पे? तो नागालैंड। ऑप्शन नंबर एच का राइट आंसर, नागालैंड में किया जाता है। भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा होता है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास कौन है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 13 का ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा, मित्र शक्ति जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास है। ब्रेड मॉडर्न या राजापस में जन्म होता है? तो ब्रेड मॉडर्न या राजापस में जन्म कैसे होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर 3, बीजाणु गठन द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर देगा। 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरण में संपन्न हुआ था? तो 17वें लोकसभा चुनाव जो है कितने चरण में संपन्न हुआ था? तो 7 चरणों में। ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। निम्नलिखित में से कौन जो है मलेशिया का सुलामा राजा बना था? तो मलेशिया का सुलामा राजा कौन बना था? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी, सुल्तान अब्दुल्ला को बनाया गया था मलेशिया का सुलामा राजा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किया था? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज जो है ये माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज। जल राशि जो ऑस्ट्रेलियम फ्रांस दोनों को सात तटीय क्षेत्रीय बनाती है दर है।
कौन बनाती है? सही उत्तर क्या रहेगा मेक्सिको, ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। बिस्के की खाड़ी जो है ये जल राशि जो है स्पेन एवं फ्रांस दोनों को साथ तटीय क्षेत्र बनाती है। मालविकाग्र मित्रम के लेखक कौन है? तो मालविकाग्र मित्रम जो है ये प्रेम कहानी है जो किसके लेखक है? तो सही उत्तर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जगह कालिदास की जो है पुस्तक, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। पुन्नागनूर एक नाम क्या है? तो पुन्नागनूर एक नाम किसका है? तो सही उत्तर क्या जाएगा तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा गाय के नाम है पुन्नागनूर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नॉगरेंस डाउन फेस्टिवल धोनेस का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? जिसका आयोजन देखा जाए दोस्तों ये मेघालय में किया गया था, नॉग करेंग डांस फेस्टिवल, ये ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर देना। अगला प्रश्न है कि समाचार पत्र राष्ट्र गुप्ता सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से होता है? ये धर्म हो जाएगा पारसी धर्म के सुधारों से होता है समाचार पत्र राष्ट्र गुप्ता, ऑप्शन नंबर 4 का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? तो सही उत्तर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जाएगा बंदर के हाथ जो है ये समरूपी अंग का उदाहरण नहीं है जो कि पक्षी के पंख, चमगादड़ के पंख और कीड़ों के पंख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन देखा जाए तो नवंबर 1946 में किया गया था, 26 का सही उत्तर रहेगा नवंबर 1946 में किया गया था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कैबिनेट मिशन योजना जो है ये 1946 में आया था भारत में, कब आया था 1946 में, और क्रिस कहेगा तो क्रिस आया था 1942 में आया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो ऊष्मा की इकाई देखा जाए दोस्तों तो सही उत्तर किया जाएगा कि खून जो है यह ऊष्मा की इकाई नहीं है, जबकि कैलोरी, जूल और BTU जो है ये ऊष्मा की इकाई है जबकि खून नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्नलिखित में से किस देश से चीता लाने की योजना बना रही है? यह योजना बनाया जा रहा है नामीबिया से, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, जबकि नामीबिया चीता ला भी दिया गया है, ध्यान रखिएगा। भारत ने डैश को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था किसकी सहायता के लिए? सही उत्तर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर देगा बी, इंडोनेशिया की सहायता के लिए जो है ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया गया था। लोथल किस राज्य के निकट स्थित है? तो लोथल सभी लोग जानते हैं कि गुजरात में जो है भोगवा नदी के तट पर स्थित है जो एक बंदरगाह था। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? तो सही उत्तर किया जाएगा तो आदेश की याचिका का उल्लेख नहीं किया गया जबकि प्रतिषेध, जबकि जब प्रतिषेध, परमादेश और अधिकार परीक्षा का उल्लेख किया गया जबकि आदेश का उल्लेख नहीं किया गया। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब किया गया था? तो आर्थिक जनगणना देखा जाए तो 1977 में किया गया था, ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर है। भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना 1977 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है भारत के उपराष्ट्रपति के चुने जाने के संबंध में बताना है? तो चलिए इसको बताते हैं, इसमें आदरता के संबंध में सही नहीं है तो आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा तो 33 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बस लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर देगा। अगला प्रश्न है कि ऑडविल ओलिव रिडले सागरीय कछुआ को डैश के नाम से जाना जाता है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा तो 34 का आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 जाएगा, पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ का नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर देगा। मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचना जिन्हें डैश क्या कहा जाता है जो श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है? ये जो सतह प्रदान करती है उसे क्या कहते हैं? तो एल्वियोली कहते हैं, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, एल्वियोली ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा तो इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर सही नहीं है, ये गलत दिया गया है, जबकि इथेनॉल पानी में घुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे करेंट अफेयर दिया गया 66वां सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी जो है इसको याद करने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से आगे दिया गया है इसको भी यहाँ पे इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, चलिए इसको देख लेते हैं एक बार कि निम्नलिखित में से किसने इसके द्वारा जो है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 में आयोजन किया गया था?
यह किया गया था ऑप्शन नंबर सी होगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश किसके सदस्य को सामान्यतः हरे शैवाल कहते हैं, तो हरे शैवाल किसके सदस्य को कहते हैं, तो क्लोरोफाइटस के जो है सदस्य को जो है हरे शैवाल कहते हैं। ट्यूरिंग ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ट्यूरिंग अवार्ड जो है यह संबंधित है किससे, तो सही तरीका जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कंप्यूटर विज्ञान एवं एसआई से, कंप्यूटर विज्ञान एवं एसआई से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है, तो नेपाल से देखा जाए तो 42 का पर सही तरीका आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर 4 अराकान योमा जो है ये नेपाल से संबंधित नहीं है, ये है म्यांमार से संबंधित, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक के लिए चिट्ठी रोबोट किस देश ने अनावृत किया है, तो ओलंपिक के लिए चिट्ठी रोबोट जो है ये किस देश ने अनावृत किया है, तो 43 का पर सही उत्तर किया जाएगा तो जापान ने यह किया है, अनावृत किया जापान ने, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर जापान ने। सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल से किसके कारण होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ये अपवर्तन के कारण से तारे टिमटिमाते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर प्रकाश के अपवर्तन के कारण। कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहेगी, यह कथन किसका है, यह कथन जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, न्यूटन की गति का प्रथम नियम ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गुजरात में भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष हुआ था वो कौन सा वर्ष है, तो सही उत्तर हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर बी होगा 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय उद्यान जो भारत और नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है कौन सा है, तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है यह राष्ट्रीय उद्यान भारत और नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है जो बिहार में है, ध्यान रखिएगा। 2020 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर 48 का क्या था, तो सी हो जाएगा जापान किया था, ध्यान रखिएगा। कारकोटक राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था, 49 का जवाब ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर थे। विद्युत विभवांतर की ऐसा इकाई क्या होगा, तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 वोल्ट जो है यह विद्युत विभवांतर की ऐसा इकाई है, इसको जो है करेंट अफेयर जाएगा इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देता है, तो अष्टांगिक मार्ग की सलाह जो है किसने दिया था, तो गौतम बुद्ध ने दिया था, ऑप्शन नंबर 3 का राइट आंसर देगा। निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं है, तो लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं है तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सती प्रथा पर रोक जो है लॉर्ड कर्जन ने नहीं बल्कि जो है लॉर्ड विलियम बैंटिंग ने किया था, तो ध्यान रखिएगा किसने किया था, लॉर्ड विलियम बैंटिंग ने। निम्नलिखित में से कौन जो 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, तो प्रारूप समिति में कुछ 7 सदस्य जिसमें कौन नहीं था, तो 54 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा जो है कैल्शियम कार्बोनेट का निरूपित करता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, तो इसका CaCO3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CaCO3 जो है कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है और कैल्शियम ऑक्साइड का CaO होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13वीं जो है ईस्ट एशिया समिट पूर्व एशिया सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया, इसका आयोजन जो किया गया था सिंगापुर में, ऑप्शन नंबर 3 का राइट आंसर सिंगापुर में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन जो है 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे, तो 57 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 जब 1905 में बंगाल के विभाजन हुआ था तो लॉर्ड कर्जन किया था, ये ध्यान रखिएगा लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटेक्सिफाइड जो तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है, तो 58 का क्या जाएगा, तो 58 का ऑप्शन हो जाएगा 4 जाएगा टीकाकरण से संबंधित, किसे टीकाकरण से। निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है, तो निम्न में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है, तो 59 का क्या जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा
ट्यूबर क्लोसिस यानी कि टीबी का संबंध है निक्षय पोषण योजना से। रंगन ठेटू पक्षी अभयारण स्थित कहाँ पे है? तो रंगन ठेटू जो है पक्षी अभयारण कहाँ से संबंधित है? तो एक कर्नाटक में, कहाँ पे? कर्नाटक में। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? सही उत्तर देगा पिलिनी। पिलिनी जो है ये नेचुरल हिस्ट्री के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में सही कथन है? तो सही उत्तर किया जाएगा, तो भारत का उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता, बिल्कुल सही है। यह मेजर ध्यानचंद को सम्मान में देते भी सही है। भारत के राष्ट्रपति इस दिन जो है प्रतिभावान खिलाड़ी को सम्मान दिया करते भी सही है। और ये तीनों सही दिया गया, क्योंकि 62 जो है ये 4 नंबर जो है ये गलत दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही दिया गया है, यहाँ आंसर क्या जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पोकली धान भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबरों में था, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो पोकली धान जो इसका संबंध देखा जाए तो किस राज्य से है? सी हो जाएगा केरल से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, केरल से। निम्नलिखित कथनों पर में से सही बताना है कौन सही है, तो जेलिस के कथनों को देखते हैं। तो दिया गया कि ट्राई का स्थापना सुल्तान में किया गया था, बिल्कुल सही दिया गया है। ट्राई की स्थापना संसद द्वारा पारित कानून द्वारा किया गया, भी सही है। ट्राई की स्थापना उद्देश्य टेलीकॉम के क्षेत्र में रेगुलेट करना, भी सही दिया गया है। डॉक्टर आर एस शर्मा ट्राई के वर्तमान प्रमुख थे जब उस समय था, तो बिल्कुल सही दिया गया है। लेकिन वर्तमान में चेंज कर दिया गया, उस समय था, बिल्कुल सही दिया गया। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? 1, 2, 3, 4 सही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। सर चार्ल्स वुड्स का डिस्पैच या उस प्रेशन भारतीय इतिहास में डैश क्षेत्र से एक मील पत्थर था, तो किसके लिए एक मील पत्थर साबित हुआ था? ये साबित हुआ था शिक्षा के लिए। सर चार्ल्स जो है वुड्स का डिस्पैच या उस प्रेशन भारतीय इतिहास में शिक्षा के लिए एक मील पत्थर था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर देगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सॉरी सही है, चलिए सही कथन को देखते हैं। तो दिया गया है कि जो भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो को टेक्निकल लाइजॉन यूनिट की मास्को में स्थापना की मंजूरी दिया, भी सही है। IPLU में इसरो की आधिकारिक प्रतिनिधि होंगे, भी सही दिया गया है। इसरो का गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है, ये भी सही दिया गया, लेकिन जो अभी तक पूरा नहीं हुआ, ये ध्यान रखिएगा। इनमें से उस समय के अनुसार देखा है तो सभी सही, लेकिन जो है ये जो अभी तक पूरा नहीं किया गया गगनयान को, ये ध्यान रखिएगा। नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है? तो नीरज चोपड़ा जब देखा जाए तो सही किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर देगा बी भाला फेंक से संबंधित, सब लोग जानते हैं। यहाँ पर स्विमिंग करना है, तो अहमदाबाद मिल सत्याग्रह कब हुआ था? तो अहमदाबाद मिल सत्याग्रह देखा जाए, उसके बाद चंपारण कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। खेड़ा जो 1918 में हुआ था। जालियावाला बाग भी 1918 में हुआ था। और जो है देखा जाए तो 1919 में जालियावाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो आपका इसका आंसर दे रहा है 68 का जगह सी हो जाएगा, सी दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदू स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो हिंदू स्वराज के लेखक देखा जाए तो सही उत्तर हो जाएगा 69 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, महात्मा गांधी हो जाएंगे। खमसिन निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है? तो खमसिन जो है ये मिस्र की स्थानीय पवन है, खमसिन। नेक्स्ट प्रश्न है कि अजीत के यहाँ पर दिया गया है कि जय प्रकाश पुल जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो जेतु पुल जो है यह किस नदी पर है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? यह गंगा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर, बिहार में गंगा नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क सदस्य है? तो सार्क सदस्य देखा जाए तो 73 का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चीन, भारत, सॉरी यहाँ भारत नहीं, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये सभी है, लेकिन ईरान नहीं है, फिर ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा। मारा यूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे जो GI टैग दिया गया है, यह क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह एक प्रकार का मीठा यानी कि गुड़ है। पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ के तीजन भाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह जो गायन से संबंधित तीजन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के जिस राज्य में स्थित है वह कौन है? तो ब्लू माउंटेन या नीलगिरी पहाड़ी इसी को कहते हैं, सॉरी ब्लू माउंटेन दे रहा है, तो ब्लू माउंटेन हो जाएगा, ये नीलगिरी नहीं, तो ब्लू माउंटेन दिया जा रहा है। तो सही उत्तर क्या होगा, क्षेत्र का ऑप्शन मिलेगा ए हो जाएगा मिजोरम में, और नीलगिरी कहेगा तो दक्षिण भारत में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बेरी नाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? तो सतर्क हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झेलम नदी जो बेरी नाग झील से निकलता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रधानमंत्री डैश होते हैं, तो भारत में प्रधानमंत्री क्या होते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 1931 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ किया गया था? 1931 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ किया गया था? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा कराची में किया गया था, कहाँ पे? कराची में। डिजिटल करेंसी अब यह निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो अस्सी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, UAE के द्वारा सऊदी अरब में लॉन्च किया गया था, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर है। UAE और सऊदी अरब के द्वारा जो है डिजिटल करेंसी अबेर को लॉन्च किया गया था, अस्सी का हो जाएगा बी हो जाएगा। पंछी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पंछी के बारे में देखा जाए तो सही तो किया जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कि यह इजराइल का उत्पादक होता है, गलत है। यह निशांत नामक UAV का एक संस्करण बिल्कुल सही है, इसमें जो है कैमरा तथा लेजर का उपकरण लगाते भी सही है, ये भारत का उत्पादक है भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, 2, 3, 4 जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान देखा जाए तो जो होता है क्षारीय होता है, तो 10.5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ब्रह्मोस मिसाइल देखा जाए तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कथन सत्य हो जाएगा। तो यह जो है यह दो चरणों में चलने वाली मिसाइल बिल्कुल सही है, इसकी उड़ान क्षमता देखा जाए तो 290 किलोमीटर तक है, बिल्कुल सही है। यह प्राधानिक गति से चलते तो यही सही है। यह दागो और भूल जाओ तंत्र के आधार पर कार्य करते भी सही है, तीनों से सभी सही, ऑप्शन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा। बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना बर्नस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? ये लिखा गया था मिल्कमैन। मिल्कमैन जो है ये बुकर पुरस्कार विजेता है, जो एन्ना बर्नस द्वारा लिखा गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है क्या? तो सही उत्तर क्या जाएगा 85 का, ऑप्शन नंबर जाएगा 4 जाएगा। ये संसद के विश्रांतित काल में अध्यादेश जारी करने का जो है यह शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में होता है? यह होता है पराक्रम समिति। पराक्रम समिति जो होता है संसदीय समिति अध्यक्ष जो है अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों से होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या कहलाता है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए जनित्र कहते हैं, इसी को जनरेटर, इसी को डायनेमो भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहता है? तो यहाँ पे अधातु पूछा जाएगा, अधातु हो जाएगा ब्रोमीन, तो ऑप्शन नंबर सी ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? यह शुरू किया गया महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। महाराष्ट्र में जो है कृषि क्षेत्र में जो है स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड द यूनियन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखा गया है? यह लिखा गया धन का बहिर्गमन सिद्धांत जो है दादा भाई नरोजी के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। सितंबर 2019 में राजस्थान के नए नियुक्ति राज्यपाल कौन थे? जो गलत यहाँ पे जो 2019 का दिया गया तो 92 का 4 था, कलराज मिश्र था, अभी भी वर्तमान में कलराज मिश्र ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से किसको हाल ही में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 में दिया गया है? तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिया गया है? तो 93 का था 4, रवीश कुमार को दिया गया था, लेकिन यह जो वर्तमान में चेंज हो गया है ये ध्यान रखिएगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, जो वर्तमान में याद रखिएगा। यूनाइटेड किंगडम को नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया गया है? तो किसके सम्मान में जारी किया गया है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 94 का, ऑप्शन नंबर जगह बी, स्टीफन हॉकिंस के सम्मान में जो है ब्लैक होल का सम्मान सिक्का जारी किया गया है।
हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो हीराकुंड बांध जो कहाँ है, तो महानदी पर स्थित है, उड़ीसा में। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? तो मूल कर्तव्य का उल्लेख जो है सभी लोग जानते हैं, तो अनुच्छेद 19 जो है 51 के क में किया गया, अनुच्छेद 51 के क में, जो कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया मूल कर्तव्य। नेक्स्ट प्रश्न है कि इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को किस क्या कहते हैं? तो इकाई क्षेत्र पर लगने वाले लंबवत बल को जो स्थित को जो हम लोग क्या कहते हैं, तो दबाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 का राइट आंसर दबाव के नाम से। सियाचिन हिमनद स्थित है कहाँ पे? तो सियाचिन हिमनद जो है ये जो है काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर काराकोरम श्रेणी में। निम्नलिखित में से कौन जो ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे? तो ब्राह्मण समाज कहेगा तो राजा राम मोहन राय थे, राम मोहन राय ब्राह्मण थे, इसीलिए ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है यह हुआ था 1845 से 1846 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। दोस्तों यहाँ पर जो आपका सेट समाप्त होता है 29/12/2019 का हुआ था, जो सेकेंड सीटिंग का था, यहाँ पे यह सेट समाप्त होता है। हम उम्मीद है कि आपको यह सेट पसंद आएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। अगर इससे संबंधित PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एग्जाम करके ज्वाइन करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।